बागेश्वर जिला मुख्यालय में अल्मोड़ा जिले के सल्ट इलाके में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बागेश्वर जिले के कांग्रेसी नेता आक्रोशित हैं। जिला अस्पताल तिराहे में भाजपा सरकार और अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपित भाजपा मंडल अध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसा न होने पर कांग्रेस जिले भर में आंदोलन के लिए मजबूर होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। प्रतिपक्ष संवाद के लिए बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। वो कहावत चरितार्थ हो रही है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे की। निरंकुश भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड कभी ठंडा नहीं हुआ। 1.5 साल से सरकार सीबीआई जांच नहीं करा पाई। उसके बाद चंपावत में खुद मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक महिला के साथ उनके मंडल अध्यक्ष ने दुष्कर्म किया। उसके बाद आज सल्ट में लगातार जिस तरीके से घटना, वो तो सजग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनने पुलिस पे, जो पुलिस दफा दफा करने पे लगी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय नारायण सिंह रावत जी ने उसको न्याय दिलाने के लिए बालिका के मेडिकल परीक्षण के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को बाध्य किया। तो जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, बेटी पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही है और बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये इनको न्याय के लिए यहाँ की बेटियां आज गुहार लगा रही हैं, पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए और अपने तमाम संगठन में कहीं ना कहीं एक विश्लेषण करने की जरूरत है और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बहुत ज़्यादा निरंकुश हो चुके हैं। बहुत सारे उदाहरण लगातार पूरे प्रदेश में हमको देखने को मिल रहे हैं और अभी एक सल्ट में कल ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से 14 साल की एक अबोध बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, पॉस्को एक्ट में तत्काल उसको गिरफ्तार करने की मांग हम लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और उसको क्षेत्रीय विधायक के द्वारा लगातार बचाव करा जा रहा है, उसको पक्ष में जो है लगातार समर्थन दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि भैया जो अंकिता भंडारी जैसे लोगों को आज तक न्याय नहीं दे पाई पुष्कर धामी की सरकार, आज उससे हम लोग इस प्रदेश में उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी बेटी कहीं पर भी सुरक्षित है, चाहे पहाड़ में हो चाहे मैदान में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। और डबल इंजन की सरकार महिलाओं के प्रति कहीं पर भी चिंतित नहीं है, इस बात को हम लोग लगातार देख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आज जिला कांग्रेस कमेटी के मंच के तले हमने आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के यहाँ सल्ट के मंडल अध्यक्ष के यहाँ पुतला फूंका है और सरकार तत्काल से कहते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल फांसी दीजिए और गिरफ्तार करके उसमें तत्काल सजा कर दी जाए उसको।